हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस को स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और इसके एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का पार्ट वन होगा, बाकी की एक्सरसाइज आपको सेकेंड पार्ट में मिलेंगी। ठीक है, तो मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन रटने मत लग जाना। जो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बहुत हेल्पफुल होगा, अभी नहीं समझोगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे ना तो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन भी आराम से बनने लगेंगे। ठीक है, सो चैप्टर हमारा क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेट लाइन्स। और NCERT के जितने भी टॉपिक हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट के जितने भी टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक और चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सब कुछ, स्ट्रेट लाइंस। देखो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, लाइंस का मतलब क्या होता है, लाइन मतलब रेखा होता है, और लाइंस का मतलब हो गया रेखाएं। तो सीधी रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको पता है रेखा कैसे बनती है, एटलीस्ट बोलना बहुत जरूरी है। जब हम दो पॉइंट को एटलीस्ट ज्वाइन करते हैं, इफ वी ज्वाइनिंग एटलीस्ट टू पॉइंट वी गेट अ सिंगल लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन होती है वो एंडलेस हो सकती है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, हम जानते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम क्लास 10th से ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो हमें पता है पहले से, क्या पता है, सबसे पहले पता है हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये जो हमारे पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि X1 ये Y1 है, इसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया X2 है ये Y2 है ना। तो सबसे पहले चीज़ हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्लास 10th में पढ़ के और रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ये सब हमें चाहिए होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर, Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। चाहे ये लिखो या ये लिखो, X2 माइनस X1, इट डजेंट मैटर। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ पहले पता है, पता है कि नहीं। उसके बाद हमें क्या पता है, सेक्शन फॉर्मूला भी पता है। पता है ना सेक्शन फार्मूला, अगर आपके पास एक लाइन है, ये पॉइंट P है X1 Y1, ये पॉइंट Q है X2 Y2, ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं A है जिसके कोऑर्डिनेट है X, Y, अगर ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो X के लिए फार्मूला मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो टुकड़ा है वो M1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टुकड़े का जो लेंथ है वो M2 है, तो ये M1 M2 रेशियो में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2। और Y के लिए क्या होता था, सेम चीज़ Y में आ जाती थी, M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2, पता है हमारे पास। उसके बाद और एक चीज़ हमें पता थी, वो थी मिड पॉइंट। मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ, मिड पॉइंट कैसे निकालते थे हम, ये हमारे पास पॉइंट है, इसके बीचों बीच वाला पॉइंट निकालना है, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 ये Y2 है। सपोज करो ये मिड पॉइंट, इसको मेरे को X और Y मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट को, तो X कैसे निकलेगा, X1 और X2 को ऐड करोगे उसका हाफ कर दोगे। Y कैसे निकलेगा, Y1 और Y2 को ऐड करोगे उसका हाफ कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ हमें पहले से ही पता थी। ओके, और क्या पता थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये सब ज़रूरत पड़ेगा ना X10.1 में। ABC हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट थे X1 Y1, ये है X2 Y2, ये है X3 Y3, अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एक्चुअली इसको निकालने के ना कई दो तीन फॉर्मूले हैं, क्लास 12th में भी अलग आएगा डिटरमिनेंट के फॉर्म में, बट अभी हम 10th के हिसाब से ही चल रहे हैं। ठीक है, मॉडुलस लगाते हैं, क्यों, कभी भी एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आती है।
अगर नेगेटिव आएगा भी सॉल्व करके तो आप उसे पॉजिटिव में ही लिखेंगे, इसलिए मॉडुलस लगते हैं। ठीक है, सो अंदर क्या होता था, एक्स वन एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये चीज़ हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया। और एक चीज़ हम ट्राइंगल के फॉर्म में ही जान देते हैं, इफ़ तीन पॉइंट कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब भी जान लो ना, क्योंकि ये भी हमें चाहिए होगा। कोलिनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संग्रहिक। इसका मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट, तीन पॉइंट बोले या चार पॉइंट बोले, जितने भी पॉइंट बोलेंगे, जब सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में आ जाते हैं, देखो सारे पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं ना, तो कुछ फॉर्म करेगा ही नहीं ट्राइंगल। अगर तीन पॉइंट है तो ट्राइंगल फॉर्म करेगा ही नहीं, सो उस केस में एरिया क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एरिया तो बना ही नहीं रहा, कुछ जगह वो घेर ही नहीं रहा है। तो उस केस में अगर तीन पॉइंट होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेते हैं, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बेसिक चीज़ थी, तो ये हमने रिकॉल कर लिया क्लास टेंथ का, जो कि हमें इस चैप्टर में चाहिए होगा। ओके, अब आएंगे हम है, अब हम मूव कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ के टॉपिक स्ट्रेट लाइन पर। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक हमारा है स्लोप। स्लोप को हिंदी में ढाल बोलते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी लाइन की ढाल क्या है, स्लोप कैसे पता करोगे। ठीक है, ढाल समझते हैं ना, जैसे ये मैंने पेन पकड़ा, पेन का ये ढाल है, मतलब ये यहाँ से जो फिसलता हुआ नीचे आ जाएगा, तो ये ढाल हुआ इसका। तो सपोज़ करो, वैसे तो आपको कार्टेशियन सिस्टम पता ही होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये हमारा ओरिजिन हुआ। सपोज़ करो ये मेरी एक लाइन है झुकी हुई है, ये मेरी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन के बीच इधर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अगर इधर थीटा बन रहा है तो इधर क्या बनेगा, वेरी इजी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है, 180। इधर थीटा बन चुका है तो इधर कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा। क्लियर, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है, इस लाइन का मेरे को स्लोप निकालना है ना, स्लोप निकालने के भी कई टाइप्स हैं, ये केस नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ थीटा, जब आपको थीटा गिवन होगा, ठीक है, तब स्लोप कैसे निकालोगे। हमेशा याद रखना, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, स्लोप को हम एम से प्रेजेंट करेंगे। आई बस मन में कोई डाउट है आपके मन में, नहीं है, ये जो जो डब्बे में बना रहा हूँ फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लेना, ये सारा काम का चंदे है, ये आपको क्लास इलेवेंथ में भी चाहिए सब कुछ, क्लास ट्वेल्थ में भी चाहिए, ये चैप्टर क्लास ट्वेल्थ में फिर रिपीट करेगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आया समझ में, ये चीज़ भी हो गई। ओके, अच्छा, केस टू क्या है, स्लोप, स्लोप यानी कि फिर से वही हिंदी में लिख दे रहा हूँ ढाल, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। अगर आपको थीटा नहीं पता, आपको सिर्फ दो पॉइंट्स गिवन है लाइन के, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे। ठीक है, ये मेरा वही कार्टेशियन सिस्टम, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, अब आपको थीटा नहीं पता है, लाइन के दो पॉइंट्स पता हैं, सपोज करो ये एक पॉइंट कि पी पता है, एक पॉइंट इधर क्यू पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू। अब इसका आपको स्लोप निकालना है, ये जो ढाल है वो ढाल निकालना है आपको। ठीक है, सो स्लोप फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्लोप एम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है
वाई टू में से वाई वन को माइनस करो और एक्स टू में से एक्स वन को माइनस करो, सो आपको मिल जाएगा स्लोप। सेकेंड फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, किस तरीके से आपको स्लोप मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई बस समझ में हो गया। अच्छा और एक चीज़ भी है स्लोप निकालने का, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में 10.2 से पहले, बट हम इसी में ही काउंट कर देते हैं, ठीक है, इसी में ही काउंट कर देते हैं, क्योंकि एक ही जगह स्लोप से रिलेटेड टॉपिक है तो एक ही जगह हो जाए तो अच्छा है। केस थ्री जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में है, आपको पता है लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना वो क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। सो अगर कोई लाइन आप इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं तो ये जो m होगा, कंपेयर करोगे आप यहाँ पर m कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में गिवन है, कंपेयर करोगे तो m आपको क्या दे देगा, स्लोप, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं स्लोप माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ वाई, ये भी फॉर्मूला है, बट ये आप भूल सकते हो, बेस्ट यही रहेगा कि कोई भी इक्वेशन आप इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो फिर कंपेयर करो, आपको स्लोप मिल जाएगा। जैसे कि सपोज करो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मेरे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, सो मैं वाई इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस का 2x प्लस 3, कंपेयर करूँगा तो यहाँ m के प्लेस पे क्या है माइनस के 2, तो यही मेरा क्या हो जाएगा स्लोप, ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा स्लोप, तो ये चीज़ भी हो गई। ओके स्लोप की बात हो गई। अच्छा देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म, आई होप मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, ठीक है, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, आपके पास एक लाइन नहीं आपके पास दो लाइन है, ठीक है, आपके पास दो लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इस लाइन को मैं L1 बोलता हूँ, इस लाइन को मैं L2 बोलता हूँ, इसके जो स्लोप, इसमें जो थीटा बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, इसका जो थीटा बन रहा है वो बीटा बन रहा है, ठीक है, सो एक स्लोप बन जाएगा 10 अल्फा, दूसरा स्लोप बन जाएगा 10 बीटा, ठीक है ना, स्लोप्स यही तो बनेंगे, फॉर्मूला निकाल दिया हमने। अब ये दोनों पैरेलल हैं कैसे पता लगेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं पता लगाने का तरीका क्या है, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, अगर दोनों स्लोप इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, आपस में क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि देखो जब इसकी ढाल, ये भी एक ढाल पे फिक्स है और इसकी ढाल भी फिक्स है, तो ये दोनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, सो इस वजह से ये हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ये हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ठीक है, तो पैरेललिज्म की कंडीशन का पता लग गया, कैसे पता चलेगा, जब m1 और m2 क्या होंगे, इक्वल होंगे तो वो आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, अब परपेंडिकुलर की कंडीशन में देख लो, परपेंडिकुलर को ना कभी कभी आपको ऐसे बोलेगा ऑर्थोगोनल, ठीक है, ये स्पेशल वर्ड है, आगे चल के फ्यू जब हायर स्टडीज करोगे ना तो ये वर्ड हट के ये वर्ड का यूज ज़्यादा होगा, सो आपको यूज टू होना पड़ेगा। अब सपोज करो आपके पास, फिर से मैं दो ले रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ये गई है L1, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये गई है, ये हमारी L2 है, इसके बीच के एंगल अल्फा और इसके यहाँ का एंगल बीटा है, ठीक है, और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर कितना बनेगा 90 डिग्री,
ठीक है, तो कंडीशन कैसे पता लगाओगे कि ये राइट एंगल होगा? अगर राइट एंगल है ना, तो अगर इसका स्लोप देखो m1 किसका स्लोप है, इसका, और m2 किसका स्लोप है, इसका, तो इसके लिए जो कंडीशन होता है ना, m1 और m2 को अगर मल्टीप्लाई करें और वो दे देता है माइनस वन के इक्वल, जब अगर माइनस वन दे देगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये दोनों स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अगर आपको चेक करने के बोले क्या ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप दोनों के स्लोप निकालोगे, उनकी प्रोडक्ट करोगे, तो अगर माइनस वन आता है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और कंडीशन में अगर बोले परपेंडिकुलर, तो आप इस कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई बस समझ में? ओके, ये चीज़ भी हो गई। और बढ़ते हैं आगे एनसीईआरटी के टॉपिक्स पर। जो भी मैं करा रहा हूँ आप प्लीज़ कॉपी में लिखते जाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी के सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी तक हम पर्टिकुलर स्लोप की बात कर रहे थे, है ना? अब सपोज करो एक स्लोप मेरा ऐसा गया है, सॉरी एक लाइन मेरी ऐसी गई है और एक लाइन मेरी ऐसी गई है। ये मेरा लाइन L1 है और ये मेरा लाइन L2 है, ठीक है। सो इसका जो यहाँ से जो स्लोप है वो अल्फा मान लिया अल्फा वन, और इसका मैंने यहाँ से स्लोप मान लिया अल्फा टू, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो मान लिया मैंने थीटा बन रहा है। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्ट होने के बाद जो यहाँ पर एंगल बना कितना बना, थीटा बना, ठीक है। अगर मेरे को यही थीटा फाइंड करना है तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो ये L1 है, ठीक है, ये मेरी पहली लाइन है, उसका मेरे को थीटा पता है, तो इसका जो स्लोप होगा M1 वो क्या होगा, टेन अल्फा वन, और इसका जो मेरा स्लोप होगा M2 वो होगा टेन अल्फा टू। और अगर मेरे को थीटा निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज़ टू मॉडुलस के अंदर M2 माइनस के M1 वन प्लस M1 M2, यानी कि ये इधर आ जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, टेन इन्वर्स M2 माइनस M1 वन प्लस M1 M2। क्लियर, ये आए समझ में आपको? अब इसमें थोड़ा केस भी बन सकता है। केस क्यों? क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, तो दो केस बनेंगे इसमें, केस वन केस टू। तो केस वन क्या बोलेगा, इफ जो आप ये जो सॉल्व करोगे अगर ये पॉजिटिव आता है टेन थीटा, देन टेन थीटा विल बी पॉजिटिव, ठीक है, देन टेन फाइव विल बी नेगेटिव, ठीक है। आप सोचोगे भाई फाई क्या है, यहाँ पर थीटा एंगल बनता है ना, तो यहाँ पर फाई एंगल बनता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, इसका मतलब है, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर। इफ अगर इसको कैलकुलेट करेंगे अगर नेगेटिव आएगा तो टेन थीटा विल बी नेगेटिव एंड टेन फाइव विल बी पॉजिटिव, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, कोलिनियर, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। अच्छा, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैंने बताया था कि ट्रायंगल जीरो होता है। अगर आपसे बोले कि भाई एरिया का यूज नहीं करना है, थ्री पॉइंट्स का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है, और आपको बताना है कि तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, तो आप कैसे बताओगे, है ना? सो लॉजिक क्या होगा? आपको पता है कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है सारे पॉइंट एक ही लाइन में, एक पॉइंट ये ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, ये तीसरा पॉइंट सी है। अगर ए बी का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी किसकी इक्वल आ जाए, स्लोप ऑफ बी सी,
अगर ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल आ जाता है तब क्या होगा, वो आपस में कोलिनियर होगा। ठीक है, तब वो आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं 10.1 से पहले, जिन जिन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारा कुछ समझ में भी आया होगा। और इसकी जो एग्जाम्पल है ना, छोटे मोटे एग्जाम्पल, वो आप खुद ही लगा सकते हो, खुद ही कर सकते हो। अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, और बाकी जो हमारे 9 क्वेश्चन बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी चैप्टर में करा चुका हूँ, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेकआउट करना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टिजन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। सो ये क्लास 10th का प्रॉब्लम है, 11th का भी नहीं है ये क्वेश्चन, फर्स्ट वाला सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 10th का प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या बोला है, इन पॉइंट्स को लोकेट करो। तो हमें जो लेट जो पॉइंट है हमारे पास, ए हमारे पास है ये, बी हमारे पास है ये, सी हमारे पास है ये, और डी हमारे पास है ये। इन पॉइंट को लोकेट करना और फिर इनका एरिया फाइंड करना है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। सो देखो, पहला पॉइंट -4 इधर कहीं आएगा, पॉजिटिव में 5, तो यहाँ कहीं पहला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, वो तो आप ग्राफ पेपर में लोकेट करोगे प्रॉपर दिख जाएगा, हमें तो बस अभी फ़िलहाल आइडिया लेना है। तो ए पॉइंट मेरे को यहाँ मिल गया, क्या है, -4.5, एक्स पे 0 वाई पे 7, तो यहाँ कहीं पहला दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 0.7 बी पॉइंट। सी पॉइंट एक्स पे 5 जाना है, वाई पे -5 जाना है, लेकिन नेगेटिव, यहाँ कहीं आ जाएगा सी पॉइंट 5.-5। और डी पॉइंट है एक्स पे -4 जाना है और वाई पे -2, तो यहाँ का एक पॉइंट आ जाएगा डी -4.-2। अब इन सब पॉइंट को क्या करना है, मीट करना है। तो क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। या तो क्वाड्रिलेटरल वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो, या फिर आप इससे इसको मीट कर दो, यहाँ एक ट्राइंगल बना, इधर एक ट्राइंगल बना। तो ट्राइंगल किसका एक निकालो, ए बी डी का निकालो एरिया, प्लस बी सी डी का निकालो, और दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना आपका। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो ये ए बी डी का जब निकालोगे ना, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, फॉर्मूले में आपको रख दो। देखो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, सो यहाँ से लर्न कर लेना, अगर लर्न नहीं है तो। वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं हम, x1, ठीक है, ऊपर से ये -4, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। मैं ऊपर से देख के फटाफट वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से देख के मैंने वैल्यू रख दी। अब तो बस सॉल्व ही करना है। ठीक है, तो इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे ना, पूरा जब सॉल्व कर लोगे तो 36 + 8, ठीक, 28 बचेगा माइनस का, तो प्लस का ही लिखेंगे कि 14 आ जाएगा, 14 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये मेरे को मिल गया
ए बी डी। अब हमें निकालना है सिमिलर प्रोसेस से बी सी डी, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी डी में एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ओके डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। एक्स वन कितना है? ज़ीरो। पूरा ज़ीरो हो गया, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस के 45, 48। ये ऐड होंगे लेकिन मॉडुलस से तो लिखा जाएगा प्लस का ही, तो ये ऊपर आ जाएगा 93 नेगेटिव का, तो लेकिन लिखा जाएगा पॉजिटिव का बिकॉज ऑफ मॉडुलस स्क्वायर यूनिट। दोनों को ऐड कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी दोनों को ऐड कर दो, 14 + 93/2 एलसीएम 2 हो जाएगा, 14 × 28 93, दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 121.2। डिवाइड कर देने पर हमें मिल जाएगा 60/5, जो भी यूनिट्स हैं उसका स्क्वायर आंसर, ठीक है। इजीली हो गया, आराम से हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। कह रहे हैं द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना इज वो इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, विद साइड 2 है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, लाइज अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग लाइज करता है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजन, उसका जो मिड पॉइंट है दोनों का वो ओरिजन पर लाई कर रहा है, तो बाकी जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उसके वर्टिसेस हमें बताने हैं। सो देखो आपको बताइए, ये हमारा ओरिजिन हुआ, साइड अब हर एक इक्विलेटरल ऐसा ट्रायंगल बनेगा ना, तो हर एक साइड कितना 2 है, तो इसके अगर मिड पॉइंट किया जाए तो इधर भी ए होगा और इधर भी ए होगा, है ना। सो बोल रहा है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये वाई है, ये वाई डैश है, 2a है, इधर ए आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए मान लेते हैं, और इधर भी ए आएगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस ए है, ठीक है। तो ये अब मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, और ये टोटल डिस्टेंस भी कितनी है 2 है, तो भाई ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, ये वाला पॉइंट होगा, देखो ये डिस्टेंस यहाँ x पे 0 है और y पे पॉजिटिव a गया, नीचे ये वो नेगेटिव डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट 0 और y पे नेगेटिव a गया, हो गया। अब आपको बस ये वाला पॉइंट पता नहीं है, ये वाला पॉइंट क्या है एक्चुअली, अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो बात बन सकती है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, ओ बोल देता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्या बोल देता हूँ, ओ बोल देता हूँ। अब ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, 0,0 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, 0,0 है। अब मेरे को क्या पता करना है, ये डिस्टेंस पता करनी है, ये डिस्टेंस मेरे को पहले से पता है और ये डिस्टेंस भी मेरे को पता है, तो ये डिस्टेंस आराम से निकल सकते हैं, तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है ये, स्पेसिफिक राइट एंगल है ना, तो ए ओ बी इन ट्राइंगल ए ओ बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 2a, और परपेंडिकुलर में है मेरा ए और बेस मेरा है ओ पी, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्लियर। सो ओ बी निकालना है, ओ बी विल बी इसका स्क्वायर रूट, सो ए स्क्वायर का तो ए हो जाएगा 3 का रूट के अंदर ही रहेगा। सो डिस्टेंस मेरे को पता चल गई √3a, यहाँ तक की डिस्टेंस, सो दिस पॉइंट विल बी √3a, क्योंकि एक्स पे डिस्टेंस है, वाई पे तो गया ही नहीं 0, तो जो जो क्वाड्रेंट चाहिए था वो मिल गए, इतना आसान था, बस क्वेश्चन को ढंग से समझना था हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पी क्यू इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ढंग से देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। हमें पी और क्यू दो बिंदुओं के डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। पहले अगर डिस्टेंस अगर देखा जाए, दो पॉइंट हमारे पास क्या है, पी है और एक क्यू है। पी का जो पॉइंट है वो x1, y1 है, और क्यू का पॉइंट है हमारे पास x2, y2, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पहले वो आपको पता ही होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक, यानी कि बोले तो पी क्यू, फॉर्मूला पता ही आपको, x1 - x2² + y1 - y2² अब आ जाओ कंडीशन पे। कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, व्हेन पी क्यू इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा इसको समझ लो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये प्लस में, ठीक है। सो कह रहे हैं वाई एक्सिस कहाँ है, ये जो लाइन है पी क्यू वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, वाई एक्सिस के क्या है आपका लाइन पैरेलल है, उस केस में आपको बताना है कि क्या होगी पी क्यू की डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो जब आप देखोगे यहाँ पर भी जो पॉइंट लोगे, पी और क्यू कहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो पी वाला पॉइंट है सपोज करो यहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी एक्स वन की, क्योंकि यहाँ पर एक्स वन वाई वन मान लेते हैं और यहाँ क्यू है एक्स टू वाई टू, ठीक है, ये एक्स वन हुआ, ठीक है, ये मेरा ये जो एक्स वन हुआ और ये जो एक्स टू हुआ दोनों तो सेम ही हुए ना, हुए कि नहीं। तो जब पैरेलल के लिए बोलेगा कंडीशन, यानी कि हमारे पास एक्स वन और एक्स टू आपस में क्या इक्वल है, ठीक है, तो यही वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। देयर फोर पी क्यू क्या हो जाएगा, जब एक्स वन और एक्स टू इक्वल है यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 बना देगा इसको, ठीक है, और वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, तो ये एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर आंसर, ठीक है। अब केस सेकंड में भी इसका वही चीज़ है, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए वही रूल है, देखो अब ये जो पी क्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो वाइट डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों सेम होगा, सपोज कर यहाँ पर मेरा पी है और यहाँ पर मेरा क्यू है, तो यहाँ पर भी उतनी ही डिस्टेंस होगी, यहाँ पर भी उतनी ही डिस्टेंस होगी, क्योंकि पैरेलल बोल है। इस केस में आपको वाई वन और वाई टू इक्वल रखना है, ठीक है, जब वाई वन और वाई टू को आप इक्वल रखोगे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में, वाई वन और वाई टू आपस में इक्वल है यहाँ रखोगे, तो ये चीज़ हो जाएगी 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0,
ठीक है, तो आपको बस ये वाला पार्ट मिलेगा, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर आंसर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6, 3 एंड 4। ये क्वेश्चन तो क्लास टेंथ का है कि नहीं, क्लास टेंथ का प्रॉब्लम है, ईजी, ये तो हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो फिगर में बनाता हूँ आपको। एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि पॉइंट पी है 7.6, दूसरा पॉइंट क्यू है वो है 3.4। इनको इनको इनके बीचों बीच में एक पॉइंट पता करना है, लेट वो पॉइंट क्या है, ए है। किस क्वाड्रेंट पे बोले, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस वाई मस्ट बी ज़ीरो, है ना। तो मान लेते हैं लेट वो पॉइंट हमारा ए है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा ज़ीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए वाई ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस के लिए एक्स ज़ीरो होता है। क्लास टेंथ में ही पढ़ के हैं। अब इक्विडिस्टेंस जब इसने बोल दिया है तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस विल बी इक्वल, है ना। तो आप ऐसे लिखना है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पी ए की डिस्टेंस है और ए क्यू की डिस्टेंस है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। सो पी ए बोले तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, तो 7 - x² 6 - 0² फिर इधर से x - 3² 0 - 4² दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से बचेगा ये चीज 6 - 0 6, 6² 36, यहाँ से x - 3 और ये -4² 60। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, यहाँ से भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, सो इधर से भी एक प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर से प्लस का स्क्वायर, कैंसिल आउट। अब क्या करना है, एक्स को एक तरफ ले जाओ, बाकी को एक तरफ लाओ, 16 और 9 25। ठीक है, 25 को उठा के लाओ इधर, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 6x पहले से है और ये माइनस का 14 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस के 14। ठीक है, अब सॉल्व करो, 14 में से 6 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8x, और यहाँ से देखो 9, 6, 15, 4, 3, 7 और 1, 8, 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 8 में से 2 घटाएंगे 6। ठीक है, 60/8 काटेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, किससे कटेगा ये, 4 से कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, एक्स की वैल्यू आएगी 15/2। सो पॉइंट हमारा क्या होता है, x, 0, सो एक्स हमारा आ गया 15/2, 0 आंसर। ठीक है, ये तो क्लास टेंथ लेवल का प्रॉब्लम था जो कि आपको पहले से ही आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, हमें एक क्या पता करना है, एक लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप पता करना है जो गुजरता है, विच पासिस थ्रू द ओरिजन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, देखो एक लाइन के जो गुजरती है ओरिजन से, ये मेरा ओरिजन से होके गुजर रहा है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट, इसको तो लेना ही है, लेना है ओ मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम, और दूसरा पॉइंट जो लेना है मेरे को, दूसरा पॉइंट जो लेना है वो पी और क्यू का मिड पॉइंट लेना है।
पी पॉइंट हमें क्या दे रखा है, 0, -4, और सॉरी बी है दूसरा पॉइंट का नाम, और बी पॉइंट हमें दे रखा है 8, 0। एक पॉइंट तो ये श्योर है, और दूसरा पॉइंट जो हमें लेना है इन दोनों का मिड पॉइंट लेने के लिए बोला है। मान लेते हैं कि दोनों का मिड पॉइंट का नाम मैं देता हूँ ए। सो ये पॉइंट हमें पता नहीं है अभी, ठीक है, ये पॉइंट हमें क्या नहीं है, पता नहीं है। लेट कर लेंगे, लेट ए जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कमा वाई है, ठीक है। अब ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू, ये वाई टू है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई होता है वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, है कि नहीं। सो एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 0 + 8/2 विच इज़ 4, एंड वाई हो जाएगा आपके पास -4, 0/2 यानी कि -2। सो पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास ए, 4, -2, ठीक है। अब जो पॉइंट आपको पता नहीं था वो भी पता चल गया है। सो अब आपका जो राइट फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर आप बनाना चाहो तो। दो पॉइंट चाहिए होता है ना, एक पॉइंट आपको ओ पता है जिसके कोऑर्डिनेट है ओ 0, 0, दूसरा पॉइंट जो पता है ए वो है 4, -2, ठीक है। ये मेरा एक्स वन है, ये मेरा वाई वन है, ये मेरा एक्स टू, ये मेरा वाई टू है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में स्लोप निकालने के लिए बोला है। दो पॉइंट जब पता होता है तो स्लोप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है हमें, स्लोप एम, स्लोप को हम एम से प्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू कितना है, -2, वाई वन कितना है, 0, एक्स टू कितना है, 4, एक्स वन कितना है, 0। सो यह आ जाएगा ऊपर में -2/4 यानी कि 2 + 1 = 2 यानी कि 1 - 1/2 आंसर, ठीक है। तो पार्ट वन में हमने कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझा, और 5 क्वेश्चन बहुत है, ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि लोड बढ़ जाएगा आप पर। बाकी जो 9 क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम पार्ट टू में करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।